Hey everyone, Priya here. Welcome back to my channel. जब कभी भी हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा रिस्क है, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है. म्यूचुअल फंड्स के केस में भी मल्टीपल कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं. बेसिकली दो कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट इज इक्विटी फंड, सेकेंड इज डेट फंड. इक्विटी फंड्स के केस में आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट स्टॉक्स और शेयर्स को खरीदने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जबकि डेट फंड्स की कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है. सो आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर उसका लोकेशन मोर देन 35% इन इक्विटी है तो वो इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में आ जाता है. अगर लेस देन 35% है तो वो डेट फंड्स की कैटेगरी में आ जाता है. बिफोर टैक्स रूल 2023 बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते थे डेट फंड्स के केस में. पहला बेनिफिट तो ये था कि अगर आप डेट फंड्स में मोर देन 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते थे, आफ्टर 3 इयर्स अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर में 20% का टैक्स पे करना होता था. दूसरा बेनिफिट था इंडेक्सेशन बेनिफिट. इंडेक्सेशन बेनिफिट को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने के लिए मैं बता देती हूँ. मान लीजिए आपने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीदा जिसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपीज, आपने उस फंड को आफ्टर 10 इयर्स 4 लाख रुपीज में सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख रुपीज का हुआ. तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ पर टैक्स मेरे को उस 2 लाख के अमाउंट पे पे करना है, तो वो हो जाता है 20% ऑफ 2 लाख, विच कम्स अराउंड 40,000 रुपीज. बट इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या होगा, जो फंड्स आपने 2 लाख रुपीज में 10 साल पहले खरीदे थे तो उस पे इन्फ्लेशन की भी तो मार पड़ी होगी, तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है आज के टाइम में वो चेंज होती है, तो उसको बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट. तो उस केस में क्या होता है, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है वो चेंज हो जाता है. तो गवर्नमेंट का एक टेबल होता है, उसके हिसाब से लेट्स से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में आपका हो जाएगा 3 लाख रुपीज़ का. तो आपने उस म्यूचुअल फंड को सेल किया 4 लाख रुपीज़ में, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़. उस 1 लाख पे आपको LTCG विच इज़ अराउंड 20% पे करना होगा, विच कम्स अराउंड 20,000 रुपीज़. तो फर्स्ट केस में आप 40,000 रुपीज़ टैक्स पे कर रहे थे, इंडेक्सेशन बेनिफिट के अंडर में आप वो पे करेंगे केवल 20,000 रुपीज़. तो ये एक बेनिफिट मिलता था डेट फंड्स के केस में, जो कि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया. और आप जिस भी टैक्स स्लैब से बिलोंग करते हैं उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको उस प्रॉफिट पे टैक्स पे करना होता है. वेल, ये एफर्ट किया गया है ताकि लोग फिक्स डिपॉजिट पे फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर दें. फिक्स डिपॉजिट के रेट्स अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर में RBI ने फिक्स डिपॉजिट्स के रेट्स को काफ़ी इंक्रीज किया है, जिस वजह से बैंक्स एक अच्छे रेट्स पर अब फिक्स डिपॉजिट ऑफर करना शुरू कर दी है और लोगों ने फिर से फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है. इस वीडियो के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेंगे उस कंक्लूजन तक पहुँचने में कि क्या बेहतर है, म्यूचुअल फंड्स बेटर है या फिक्स डिपॉजिट बेटर है. वो क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, What is the basic meaning of equity, debt and fixed deposit? आपको fixed deposit में कब invest करना चाहिए? आपको mutual funds में कब invest करना चाहिए? Taxation point of view से तीनों में क्या difference आ जाता है? आप कितना return expect कर सकते हैं mutual funds और fixed deposit के case में? और तीनों का ही risk profile कैसा होने वाला है? तो चलिए शुरू करते हैं. इक्विटी फंड्स के केस में आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट बेसिकली कंपनीज के स्टॉक्स और शेयर्स को परचेज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. डेट फंड्स के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की जाती है या लोन्स दिया जाता है गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स को. इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो अमाउंट यूज होता है टू गिव लोन्स टू इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट. एक और डिफरेंस होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं दे आर बेसिकली मैनेज्ड बाय द बैंक्स, और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. और म्यूचुअल फंड्स के केस में आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना अकाउंट खोल सकते हैं और वहां से आप म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं, आपको किसी भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है. बेसिकली फिक्स डिपॉजिट को ना आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड के जैसे देखना पड़ेगा. अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो बहुत सारा, तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए
नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ अमाउंट है जिसको आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो पैसा आसानी से खर्चा ना हो, तो उस केस में फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन आइडियल ऑप्शन। किस किस कैटेगरी में आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पेरेंट्स का रिटायरमेंट कॉर्पस है जो कि उनको इस्तेमाल करना है अपने डे टू डे लाइफ में, धीरे धीरे करके वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में आप उस अमाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे कि आपको घर की डाउन पेमेंट के लिए आपने कुछ अमाउंट सेव करके रखा है, उसको लेटर ऑन आपको यूज करना है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की एफडी में कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई शॉर्ट टर्म गोल्स है, जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है या आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करना है जो कि 1-3 ईयर्स डाउन द लाइन। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए सेविंग करनी है, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन आइडियल ऑप्शन। आप वहां पर आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के केस में क्या होता है कि एक लॉक इन होता है, वो लॉक इन 6 मंथ्स का हो सकता है, वो लॉक इन 12 मंथ्स का हो सकता है, 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करके मतलब ड्यूरेशन बेस्ड लॉक इन होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे आपको कोई लॉक इन ना मिले, आप इजी एंट्री और एग्जिट कर सके, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता रहे, तो उस केस में म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स के केस में इजी एंट्री और एग्जिट होती है। किसी किसी फंड में एग्जिट लोड लगता है, लेकिन बहुत सारे फंड्स में एग्जिट लोड नहीं लगता है। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉस्ट होता है, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। ये क्या होता है? जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उसको फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो उनके मैनेजमेंट का कुछ कॉस्ट होता है जो कि आपके अमाउंट में से डिडक्ट कर लिया जाता है और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो अमाउंट होता है तकरीबन अराउंड 0.5-2% के बीच में होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। म्यूचुअल फंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस ऑफर करते हैं जो कि जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन अपने रिस्क कैपेबिलिटी और टाइम होराइजन ऑफ सेविंग के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट के केस में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं विच इज ऑफर्ड बाय दी बैंक, जिसमें से कि आपको चूज करना होता है। तो अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस चाहते हैं, इजी एंट्री और एग्जिट चाहते हैं, तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स के केस में जो टैक्सेशन होता है वो कैपिटल गेन टैक्स के अंडर में आता है। मान लीजिए अगर आपको 1 लाख या उससे कम का प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप वहां से 1 साल के अंडर में ही विड्रॉ कर लेते हैं, और तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है 1 लाख या उससे ऊपर, उस अमाउंट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा विच इज़ अराउंड 15%। अगर आप 1 साल के बाद में विड्रॉ करते हैं, तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा विच विल बी अराउंड 10%। जबकि डेट एंड एफडी के केस में चीज़ें सेम हो गई हैं, आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से आपको टैक्सेस पे करना होगा, चाहे आप 10% के ब्रैकेट में हैं या 20% के या 30% के ब्रैकेट में। जो भी प्रॉफिट आपको एफडी या डेट फंड से मिलेगा, उस अमाउंट पे आप अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्सेशन पे करेंगे। तो डेट और फिक्स डिपॉजिट के केस में टैक्सेशन में कोई अंतर नहीं है। FDs के बारे में बात करें तो बैंक्स बेटर रिटर्न ऑफर कर रही है, 7% to 7.5% आपको मिल जाएगा। डेट फंड्स के केस में भी एवरेज 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी के केस में एवरेज रिटर्न हम 11 to 12% का एवरेज रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या होने वाले हैं? फिक्स डिपॉजिट के केस में 5%, डेट फंड्स के केस में भी ये अप्रॉक्सिमेटली 5% ही होंगे, इक्विटी के केस में ये 10% तक हो सकते हैं। कितने टाइम होराइजन के लिए आपको सेव करना चाहिए? तो अगर फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं, तो अगर आपका 6 मंथ से 2 ईयर्स, 1 ईयर्स ऐसे का टाइम होराइजन है, तो आप फिक्स डिपॉजिट को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप 2 से 3 साल ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका गोल ड्यूरेशन मोर देन 5 ईयर्स है। अगर हम रिस्क प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो एफडीज बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। बैंक्स आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में ये स्लाइटली वैरी कर सकता है, और यहाँ पे जो रिस्क भी होता है वो लो टू मॉडरेट होता है।
जबकि इक्विटी के केस में रिस्क हाई होता है, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी मान लीजिए आपने पैसे इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट ईयर ही वो अमाउंट डाउन हो गया, क्योंकि शेयर मार्केट का इस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इसी वजह से आप अगर 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट एंड FDs को कंसिडर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। देखिए, तीनों ही ऑप्शंस को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, लेकिन हमारा जो सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि जो भी हमें रिटर्न मिले वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पैसे को जंग लग रही है, हमने FD में डाल के रख दिया जहाँ पे हमें 6% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन ही है 7% का, तो उस केस में हमारे रिटर्न्स नेगेटिव हो जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हमें पॉजिटिव रिटर्न्स चाहिए, तो वो माइंडसेट के साथ हमें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करिए, आपके दिमाग में ये 3 लाइनें होनी चाहिए, नॉट टू अग्रेसिव, नॉट टू सेव, मिक्स ऑफ बोथ इज ग्रेट। ऐसा भी नहीं करना है कि अपनी सारी सेविंग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, ऐसा भी नहीं करना है कि सारे अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में रख के छोड़ दें, बल्कि कुछ अमाउंट को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कुछ अमाउंट को सेफ एंड सिक्योर जगहों पे डाल के रखना चाहिए और मिक्स करके रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको बेटर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड रिटर्न्स एक ही पोर्टफोलियो में मिलेंगे। सो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट काम करता है इन्वेस्टमेंट के केस में। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ भी सुझाव हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।